हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्लॉग। और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपने मेरा कल वाला वीडियो लाइफ स्ट्रगल के बारे में जो था वो काफ़ी पसंद किया, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि उसका अगला पार्ट चाहिए, तो मैं जल्दी उसका अगला पार्ट लाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, ज़रूर से एक बार देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, प्रमोशन एस्पेक्ट क्या होते हैं, कहाँ पे पोस्टिंग लोकेशन होती है, ट्रांसफर्स, बाकी सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या काम करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो फ्रेंड्स इसमें एक CBT एग्जाम होता है, उसके बाद एक स्किल टेस्ट होता है। और स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट आसान नहीं होता, मतलब काफ़ी मेहनत लगती है उसको करने के लिए। बट कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है स्टेनोग्राफर, क्योंकि फ्रेंड्स इसके रिटर्न एग्जाम में मैथ्स नहीं आती है। बाकी फ्रेंड्स, मैं ये मानता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर का आप सब लोगों को पहले से पता होगा, तो फ्रेंड्स इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन की। जब फ्रेंड्स SSC स्टेनोग्राफर के रूप में आपका सिलेक्शन होता है, तो सबसे पहले आपके डोजियर भेजे जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास अटेस्टेशन फॉर्म भेजता है और साथ में ही स्टेट प्रेफरेंस मांगता है कि आपको कौन सा स्टेट प्रेफर करना है। तो फ्रेंड्स आपकी जो मेरिट है, आपने जो प्रेफरेंस दिया है, उसके हिसाब से वो आपको कोई भी स्टेट अलोकेट करता है। और फ्रेंड्स अगर जॉब की बात करूं तो SSC स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होता है 10+2 में, वहां पे 2 ग्रेड के स्टेनोग्राफर रिक्रूट किए जाते हैं, ग्रेड C और ग्रेड D। फ्रेंड्स ग्रेड सी जो स्टेनोग्राफर होता है वो ग्रेड पे 4500 पे रिक्रूट होता है, और जो ग्रेड डी स्टेनोग्राफर्स हैं वो रिक्रूट होते हैं ग्रेड पे 2400 पे। इसके बाद में फ्रेंड्स अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो लगभग 40 से 45 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि रिक्रूट करते हैं ग्रेड पे 2400 वाले स्टेनोग्राफर को, यानी कि ग्रेड डी वाले को। और कुछ डिपार्टमेंट 10 से 12 मिनिस्ट्री ऐसी हैं जो कि ग्रेड सी स्टेनोग्राफर को रिक्रूट करते हैं, जो कि एक ग्रेड पे 4200 की जॉब होती है। यहाँ पे हम इनकम टैक्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ग्रेड डी स्टेनोग्राफर डायरेक्ट रिक्रूट करता है, यानी कि जब आप जाएंगे तो आपकी ग्रेड पे रहेगी 2400। फ्रेंड्स पर्सनली अगर मेरी बात करूँ तो स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल मुझे सबसे बेस्ट लगती है। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि स्टेनोग्राफर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे मैं उनकी ऑफिस में कई बार पर्सनली विजिट किया हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि उनका जो वर्क प्रोफाइल है वो बहुत ही बढ़िया लगा पर्सनली मुझे। इसमें फ्रेंड्स अगर आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो ये टोटली डेस्क जॉब रहेगी। यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक PA के तरीके से पोस्टेड किए जाते हो किसी ग्रेड 1 ऑफिसर के साथ में, जहाँ पे आप उनके अपॉइंटमेंट, उनके कॉल्स और उनकी फाइल्स वगैरह वो सब मेंटेन करना होता है। बाकी अगर उनसे कोई मिलने वगैरह आता है तो उनको अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स करना, ये सब आपका काम रहता है। फ्रेंड्स मेरा एक सजेशन है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी डिपार्टमेंट पे आप चले जाते हो, तो उसके बाद डिपार्टमेंट में भी आप हार्ड वर्क करना मत छोड़िए, क्योंकि उसका एक बहुत फ़ायदा होता है। फ्रेंड्स जिस स्टेनोग्राफर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके उसके साथ में ऑफिस गया था, वो थोड़ा अच्छे से काम नहीं करता। पहले उसे PA लगाया था जहाँ पे उसकी जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छी थी, बट क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं करता था, उसके बाद उसे काउंटर पे लगा दिया गया, जहाँ पे उसका जो काम होता है वो टैक्स असिस्टेंट के तरीके का होता है। तो डिपार्टमेंट में जाने के बाद भी डिपेंड करता है कि आप कितने हार्ड वर्क करो, उसी के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं वर्कलोड के बारे में, कि इस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर का वर्कलोड कितना होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया, ये आपके काम पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा काम करते हो और अगर आपकी पोस्टिंग एज ए PA है, तो वहाँ पे आपका जो वर्कलोड है बहुत कम रहेगा, लो टू मॉडरेट रहेगा। मतलब आपको बस कॉल्स वगैरह मेंटेन करने रहेंगे, कुछ फाइल्स वगैरह मेंटेन करनी रहेगी, कुछ छोटे मोटे लेटर वगैरह आपको लिखना होगा या डिक्टेशन वगैरह लिखना होगा, जो कि बहुत कम होता है। बट अगर आपकी पोस्टिंग काउंटर पे कर दी गई है और जहाँ पे आपको टैक्स असिस्टेंट का काम करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे वर्कलोड थोड़ा सा हैवी हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स जब आप डिपार्टमेंट में जाते हैं तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए। अगर आपके बारे में किसी ने एक बार मेंटेलिटी बना ली कि ये अच्छे से काम नहीं करता है, तो बाद में फिर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। और डिपार्टमेंट में जाके आप ये मना नहीं कर सकते कि मैं स्टेनोग्राफर हूँ, मेरा काम तो स्टेनो से रिलेटेड है, ये काम नहीं करूँगा। अगर आपके माइंड में ऐसी थिंकिंग है तो निकाल दीजिए, क्योंकि जो आपको टास्क दिया जाएगा
वो आपको करना होगा, नहीं तो आपकी एपीआर वगैरह सब खराब कर दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट के बारे में। तो इस डिपार्टमेंट के प्रमोशनल एस्पेक्ट दो कैडर में जाते हैं, या तो आप पर्सनल सेक्रेटरी वाले कैडर में प्रमोशन जाते हो जो कि रेगुलर प्रमोशन होते हैं, या आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाले कैडर में जाते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर का, जो कैडर होता है पर्सनल सेक्रेटरी वाला। फ्रेंड्स, जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो एज ए स्टेनोग्राफर, तो आपकी ग्रेड पे रहेगी 2400 और आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 25,500, और वहाँ पे आपको बोला जाएगा ग्रेड टू स्टेनोग्राफर। आपकी 4 साल की रनिंग सर्विस के बाद, यानी कि जब आपकी 4 साल की कंटिन्यू सर्विस हो जाएगी, तो आप प्रमोट कर दिए जाते हैं ग्रेड पे 4500 पे, और यहाँ भी आपकी ग्रेड रहेगी ग्रेड टू, बट जो डीआर वर्ड है यानी डायरेक्ट रिक्रूट जो वर्ड है वो आपके ग्रेड से हट जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपका अगला प्रमोशन होता है वो होता है ग्रेड वन स्टेनोग्राफर, जहाँ पर आपकी बेसिक सैलरी हो जाती है ग्रेड पे 4600। फ्रेंड्स, ग्रेड पे 4600 के बाद में जो आपका अगला प्रमोशन रहता है, ये वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो जोन है, जो आपको जोन मिला है उसमें कितना वैकेंसी निकल रहा है, कितना कितना सीट वहां पे खाली है। तो उसके बाद में जो आपका अगला प्रमोशन है वो होता है फ्रेंड्स प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट पे, जो कि एक ग्रेड पे 4600 की नॉन गजेटेड पोस्ट है। ग्रेड पे 4600 के बाद में फ्रेंड्स, जब आपकी ग्रेड पे 4600 में रनिंग 3 साल की सर्विस हो जाती है, तो आपका प्रमोशन होता है सीनियर सेक्रेटरी में, जो कि एक ग्रेड पे 4800 की गजेटेड पोस्ट है। फ्रेंड्स, इसके बाद में जो आपका अगला प्रमोशन होता है वो होता है नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, यानी कि आपकी पोस्ट सेम रहेगी बट आपकी जो ग्रेड पे है वो ग्रेड पे 4800 से ग्रेड पे 5400 कर दी जाएगी 4 साल के बाद में। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रमोशन कैडर है ये है आपका रेगुलर सर्विस पे, यानी कि आप कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं देते हैं। तो आपके रेगुलर प्रमोशन किस तरीके से होते हैं ओवरऑल मैं आपको बता सकता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की अगर बात की जाए तो प्रमोशन एस्पेक्ट काफी अच्छे हैं इस डिपार्टमेंट में। दूसरा तरीका है प्रमोशन का, वो है डिपार्टमेंटल एग्जाम देके। फ्रेंड्स, जब आपके डिपार्टमेंट में 3 साल की रेगुलर सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, तो आप एलिजिबल हो जाते हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे आपके दो एग्जाम लगते हैं, जिसे एक मिनिस्ट्रियल एग्जाम बोलते हैं और एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है। दोनों एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप प्रमोट हो जाते हो 3 से 4 साल में, यानी कि वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि कितने दिन बाद में एग्जाम ओपन होती है। तो आप फ्रेंड सीधा आ जाते हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, जो कि एक ग्रेड पे 4600 की जॉब है। इसके बाद में फ्रेंड्स, जो आपका अगला प्रमोशन होगा वो इसी कैडर में चलेगा, और लास्ट में आप जा सकते हो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर एस्पेक्ट की, कि इसमें ट्रांसफर कितने होते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग में आपका होम स्टेट मिल जाता है तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर बहुत कम होते हैं नॉर्मली। बट अगर आपको स्टार्टिंग में होम स्टेट नहीं मिलता है और आप ट्रांसफर करवाने की कोशिश करते हैं, 3 साल के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफर के लिए। या तो आप कोई म्यूचुअल कैंडिडेट देख सकते हैं, या फिर कोई आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए, स्पाउस ग्राउंड या फिर कोई मेडिकल ग्राउंड, जिसके बेसिस पे आपका ट्रांसफर किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स ट्रांसफर इतने ज़्यादा नहीं है, बट अगर आपको ट्रांसफर चाहिए तो या तो आपको कोई म्यूचुअल कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक ग्राउंड दिखाना होगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से मुझे अपने स्टेट में जाना है। यानी एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर थोड़ा सा कम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, जो कि है सैलरी। तो इस डिपार्टमेंट में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपकी ग्रेड पे रहेगी 2400 और बेसिक पे रहेगी 25,500। और अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स मेट्रो सिटीज़ की, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो रहेगी 43,000 के करीब ग्रोस सैलरी, और जो आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी वो रहेगी 36,000 के करीब, यानी कि 36,000 आपको इन हैंड मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस डिपार्टमेंट में आपको फ्री सिम भी दिया जाता है, बट अभी वो आपको पता है बहुत ज़्यादा यूज का नहीं है। बट मैंने सोचा फिर भी आपको बता दूँ कि इस डिपार्टमेंट में आपको एक MTNL फिर BSNL, जो भी आपके जोन में जो सरकारी कंपनी है उसका एक सिम दिया जाता है, जिसमें सारी कॉलिंग वगैरह फ्री होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, पोस्ट के बारे में आपके कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। मेरा नाम है संदीप, साइनिंग आउट फ्रॉम यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्लॉगर। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।